صلى الله عليك يا أبا عبد الله. माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, हसबनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर, औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الآخرة اللهم اقض حوائجنا يا الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمن لا تبرد أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم پروردگار ہماری استطاعت اور عبادت کو انشاءاللہ قبول کرے اور آپ سب کی زحمات کو قبول کرے خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ آقا حسین کے اس فرش عزا پر ہم اور آپ حاضر ہو سکیں یہ بہت بڑی نعمت ہے فرش عزا امام حسین بہت بڑی نعمت ہے عزا امام حسین اور بہت بڑی نعمت ہے اس امر کو زندہ کرنا اس مقصد حسینی کو آگے لے کر چلنا اور جیسا کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں عزاداری جو ہم کر رہے ہیں جو ہمارے پر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی سمجھا جائے خداوند عالم نے جو چیزیں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکرانہ ادا کریں اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائے جائے اس کو دوسروں کو بھی بتایا جائے حدیث کے بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن حَرَارَتُن لَا تَبْرُدُ عَبَدَا کہ بے شک قتل امام حسین امام حسین کی شہادت ایک ایسی گرمی ہے کہ لَا تَبْرُدُ عَبَدَا یعنی یہ گرمی قیامت تک ہمارے اور آپ کے دلوں سے یہ کم نہیں ہو سکتی ہے مقصد حسینی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس فرش عزا پر جو ہم آئے ہیں اور یہاں سے جب ہمیں اٹھ کے جانا ہے تو اسے پھر ہم کو وہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے
यहां से जो चीज सीखी जाए, जो चीज हमने यहां से सीखी है, उसको दूसरों तक भी नशरो इशाअत किया जाए, दूसरों तक भी नशरो इशाअत किया जाए, दूसरों तक भी इसको पहुंचाया जाए। परवरदिगार ने हमें और आपको तौफीक दी कि इस वक्त बरहाल हम हाजिर हुए आका हुसैन की अजा करने के लिए, इमाम हुसैन की दरसगाह में हाजिर हुए हैं कुछ याद करने, कुछ सीखने के लिए। तो खुदावंद आलम ने जब हमें तौफीक दी कि हम ये सीखें, तो कम से कम जो हमने सीखा है ये दूसरों तक भी जो हम इसको पहुंचाएं, जो हमने सीखा इसको दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम किताब वसाइल शिया के अंदर और दीगर किताबों के अंदर भी बहरहाल इस हदीस को नकल किया गया। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते कि रहमल्लाहु आबदन अहिया अमरना वो तो वकैफा युही अमरकुम قال يتعلم علومنا ويعلمهم الناس। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका कहते हैं कि खुदा रहमत नाजिल करे उस शख्स पर जो हमारे आम्र को, हमारे हुक्म को, हमारी नसीहतों को ये सीखे और उसको अहिया करे। रहमल्लाहु अबदन अहिया अमरना, खुदा रहमत नाजिल करे उस पे जो हमारे आम्र को अहिया करे यानी जिंदा करे, पहुंचाए दूसरों तक, इसको लेकर जाए। रावी ने सवाल कर लिया, मौला किस तरह से आपके अम्र को हम जिंदा करें, आपके अहकामात को हम जिंदा करें, आपके हुक्म को हम जिंदा करें, उसको अहिया करें, कैसे हम जिला बख्शें उसको? तो मौला फरमाते हैं कि उसको सीखो और सीखने के बाद युअल्लिमुहुन्नास, उसको सीखो, सीखने के बाद उसको दूसरों तक लेकर जाओ, दूसरों को उसको पहुंचाओ। यह है मकसद इमाम हुसैन, यह है आजादारी और हमारी जिम्मेदारियां यह हैं कि हम अगर कुछ सीख रहे हैं, चाहे छोटे बड़े जो भी जो सीख रहे हैं हम, तो इस अम्र को सीखने के बाद, इस चीज को सीखने के बाद दूसरों को सिखाया जाए। अपने अंदर जो चीज हमने सीखी सीने के अंदर उसको रख के दफन न कर दिया जाए। बहुत माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा, बहुत से लोग, बहुत डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं कि खुदावंद आलम ने उन्हें मसल ये तौफीक दी है परवरदिगार ने कि मसल वो चीज वो लोगों ने सीखी, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, वैद हैं, नहीं मालूम क्या 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 इल्म इरफान है और कौन से इल्म है। लोग उलूम को सीखते हैं और सीखने के बाद वो अपने सीने ही में रख के चले जाते हैं। इल्म की ज़कात यह है कि हमें दूसरों को सिखाना, अगर हमने कुछ सीखा है तो उसे दूसरों को भी सिखाया जाए, ना कि अपने सीने में हम उसे लेकर चले जाएं। कितना भी हम सीखे हों, कितना भी हम पढ़े लिखे हों, कुछ महारत किसी भी चीज में हमें हासिल हो, अगर हम वो किसी को ना बताएं और लेकर चले जाए तो उसका फायदा क्या हुआ? इतनी जहमत जो हमने की है वो जहमत हमारी हदर गई। हमारे पास कोई तजुर्बा है, कोई इल्म है, ऐसी चीज है कि जो दूसरों के काम आ सके, तो उसको हम दूसरों को सिखाएं। कोई हुनर है, कोई फन है, कोई चीज ऐसी है हमारे पास जो दूसरे के पास नहीं है, तो उसको कम से कम हम दूसरों को सिखाएं। ये अहले बैत अथार, ये मासूमीन, ये चारदा मासूमीन का ये उनका हमेशा से रवैया रहा है। आपने अपने उलूम को जो भी था वो आपने सीखा और अपने दूसरे असहाब को, आपके शागिर्द कितने ज्यादा हैं कि वो दूसरों को भी सिखाया जाए, ये हमारी कामयाब जिंदगी। और सीखने के लिए आदमी को शर्म भी नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने के लिए कोई उम्र भी नहीं है, कोई सिर भी नहीं है, बल्कि हदीस मासूम के फरमाते कि ओ तो लोग बोलो इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म सीखो महद से लेकर, गहवारे से लेकर कब्रस्तान तक, कोई इसकी हद नहीं। आज हमारे उलमा और मुश्तहिदीन देख ले, किसी के 80 साल उम्र हो चुकी है, किसी के 90 साल उम्र हो चुकी है, आप तमाम मुश्तहिदीन के पास जाएं, यही एक इल्म आले मोहम्मद है
कि जिनके पास भी आप जाएंगे वो यही कहता हुआ नजर आए तो मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, इतने बड़े बड़े मराजा किराम है, इतने बड़े बड़े मुश्तहिदीन है, अगर आप उनके पास जाइए और जाने के बाद आप उनसे सवाल करिए कि आगा आपने कितना पढ़ा कितना आप जानते, यही कहेंगे मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं अभी इस दरवाजे का, मैं तो मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन इस इल्म में और दूसरे इल्म में फर्क यही है, उलूम आले मोहम्मद में यह है कि जब ये इल्म आता है तो इंसान के अंदर इनके सारी पैदा हो जाती है, दीगर उलूम जब आते हैं तो इंसान अपने सरों को उठा लेता है और जरी हो जाया करता है। इस इल्म का यह है, उलूम आले मोहम्मद का, इसमें जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतने ही बुर्दबारी और झुकाव बढ़ता जाएगा। कहते हैं जिस दरख्त पर फल होता है दरख्त उतना ही झुकता चला जाता है, और उस दरख्त का भी फायदा है कि फलदार का कम से कम दूसरे उससे इस्तेफादा कर सके। लेकिन बहुत से दरख्त हैं फलदार तो हो जाते हैं लेकिन उसके फल खाने के लायक नहीं होते, बहुत सी मिसालें हैं आपके सामने। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कत्ल हुसैन, इमाम हुसैन का कत्ल होना यह ऐसी हिद्दत और शिद्दत, ऐसी गर्मी है मोमिनीन के दिलों में जो कयामत तक रहती, दुनिया तक ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इंसान खुदावंदे आलम ने, परवरदिगार ने इंसान को अकल दी है, शऊर दिया है, फहम दिया है, इदराक दिया है, उस शऊर उस फहम और इदराक को अमल में लेकर आए। आज बहुत से तरीके हैं तबलीग करने के, बहुत से तरीके अहले बैत के अकवाल और अतवार को पहुंचाने के। ये मीडिया मसलन अभी यहां मजलिस हो रही है, ये मैं मस्जिद में मजलिस पढ़ रहा हूं, यहां चंद लोग मेरे निगाहों के सामने यहां पर बैठे हुए हैं, कुछ फैमिली के लोग, कुछ बहरहाल सब ये घर वाले ये सब बैठे हुए हैं, ये अजाजो की जा रही है। यही चंद लोग बैठे हुए, अगर ये मजलिस की जाए तो आप ही चंद लोग बैठकर इस चीज को सुनेंगे, दूसरा यहाँ के घर के बाहर जो उसको नहीं सुन सकता। लेकिन अल्लाह ने हमें एक इल्म इस वक्त दिया, अल्लाह ने हमें एक जराए एक जरिया हमारे लिए पैदा किया, ये सामने आपके हैं नेट, सोशल मीडिया, बेहतरीन चीज, पूरी दुनिया में बैठे हुए अपने पैगाम को आप पहुंचा सकते हैं। एक जगह मैं इस जगह बैठा हूं, ये मस्जिदुल मुकद्दस में हुसैन इमाम सज्जाद में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, यहां से बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर हो रही, पूरी दुनिया में लोग मुझे देख रहे हैं। एक इश्काल का और जवाब आ गया, लोग कहते थे एक अली एक वक्त में 40 जगह कैसे पहुंच गए, आज एक वक्त में मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में 40 जगह आका ने पहुंच कर दिखा दिया, बता दिया, अकले हैरान थी, मुंजमिद हो गई थी कि कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि इस पर लोगों ने जहमत की, इस पर लोगों ने मेहनत की, मशक्कत की, और आज वो मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए अकवाल को करके दिखा दिया गया। आज एक जगह बंद कमरे में आप बैठे रहिए, पूरी दुनिया में आप बैठिए, पूरी दुनिया में आप सैर कर लीजिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में आ चुकी है। अहले बैत के अस्कार, अहले बैत के फरामीन पर अगर अमल किया जाए, मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते आका जिस वक्त फरमाया करते थे कि एक वो जमाना आने वाला है, याती का ज़मानुन अला नास, लोगों पर एक जमाना ऐसा आने वाला है कि जिस जमाने में आसमानों पे लोहा टनो लोहा आसमानों पे उड़ेगा। लोग ताज्जुब कर रहे थे, टनो लोहा और आसमानों पर उड़ेगा, आज एक पत्थर एक ढेला एक ईंट एक संगीन कोई चीज आप ऊपर फेंकिए ऊपर जाके रुके भी नहीं चली आती है। मौला ने कहा एक जमाना आएगा जब पानी से आग निकलेगी, लोग ताज्जुब कर रहे थे। मौला फरमाते एक जमाना आएगा जब चश्मे जदन में लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करेंगे, लोग ताज्जुब कर रहे थे। अमीर कायनात ने जो जो कहा दीगर कौमों ने वो करके दिखा दिया, दूसरी कौमों ने वो करके दिखाया। आज देख लीजिए जहाज कितना संगीन कितना बड़ा, हवाओं में लोहा हवाओं में उड़ रहा है, और उसके साथ साथ हमारे अजसाम को हमारे जिस्म को हमारे वसाइल को सबको लेकर साथ साथ वो चल रहा है। आज ये लाइट ये बर्क ये बिजली कहां से आई है? मौलान फरमा एक जमाना आएगा जब पानी से आग सिद्ध है,
लेकिन आज वही करके दिखा दी गई। लाइट कहां से आई? पानी से आई। आज अभी कुछ देर में आप किसी को यहां देखिए, कुछ देर में देखिए आप दूसरी जगह पर, यही है इसी तरह से आप, या खुद ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये चीजें, आप बैठे यहां बात करें हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, दुनिया भर के कनाडा में, जहां जहां आपके ऐसे अकारीब रिश्तेदार हैं, और एक साथ आप सबसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे को आप देख रहे हैं ग्रुपिंग, एक दूसरे से बातें हो रही है। बहरहाल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई चीजों पर अगर अमल किया जाए इन चीजों पर, तो खुदा हमारी जिंदगियों को खुद ब खुद बहाल करता चला जाएगा। एक हदीस मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहां पर है कि मौला से पूछा गया था कि खुदा के बंदों में सबसे अच्छा बंदा कौन है, सबसे अच्छा बंदा कौन है खुदा के नजदीक। तो मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हुए, सुइला अन खयारिल इबाद فقال الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا عاتوا شكروا واذا ابتلوا صبروا واذا غضبوا عفوا। बहुत प्यारी हदीस है। मौला फरमाते हैं ये हमारे लिए वाकई नमूने अमल है। मौला फरमाते हैं आका से सवाल किया किसी ने, मौला से पूछा कि मौला ये बताइए कि खुदा के अच्छे बंदे कौन से हैं, सबसे अच्छे बंदों में कौन बंदे हैं। तो मौला ने फरमाया فقال الذين اذا احسنوا استبشروا, मौला फरमाते वो लोग जो अच्छा काम करते हैं उस पर वो लोग खुश होते हैं, नेक काम करते हैं खुश होते हैं। कोई भी अच्छा काम हो, ये मजलिस मातम किसी भी तरह से शिरकत करना, फर्श अज़ाए हुसैन बिछाना, तीमादारी करना, सिले अरहाम बजा लाना, वालदैन की इताअत करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, बच्चों पे शफकतें फेरना, यतीम और बेवाओं के हक को अदा करना, खुम्स और ज़कात को अदा करना, ज़ियारतों पे जाना, एक दूसरे से अहवाल कुर्सी करना, सिले अरहाम बजा लाना, ये अच्छे काम, जो भी अच्छा काम करे, मौला फरमाते अपने अच्छे काम करने पर इंसान खुश हो। फिर आका फरमाते हैं व एजा असाओ वस्तागफिर, मौला फरमाते हैं और जब कोई बुरा काम करे, उनसे कोई गलत काम सरदर्द हो जाए, तो फौरन उस पर वो इस्तगफार करते हैं, यानी छोड़िए नहीं, अगर छूट गया तो गया, उसी वक्त जो चीज हमारे ऊपर, जो हमने गलत काम किया या कुछ भी हुआ, फौरन उसी वक्त खुदावंद आलम से इस्तगफार करें, अस्तागफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह, या इस्तगफार अमीर मोमिनीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह मिन कुल्ल ज़ंबिन। ये इस्तगफार, ये बहुत ही मुजर्रब इस्तगफार है। जब भी कभी आपकी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, गिरफ्तारी हो, आजारी हो, रोजी की मुश्किल हो, खास तौर से रोजी की मुश्किल हो, या औलाद ना हो रही हो, बीमारी हो, लाइलाज बीमारियां हो, नजर बदल, कोई भी किसी भी चीज के लिए ये इस्तगफार को, मौला अमीर मोमिनीन साथ वक्त नहीं कि मैं बयां करूं कि मौला बैठे हुए हैं मस्जिद में, कहते हैं चंद लोग आए आकर कहते हैं मौला मेरे कारोबार में खैर बरकत नहीं, मौला फरमाते जाकर इस्तगफार करो। कहते उस वक्त कुछ देर में देखा कि एक मोहतरमा वाली दी, मौला मेरे औलाद नहीं, मौला ने फरमाया कि जाओ हर रोज 70 मरतबा इस इस्तगफार को, इसको सुबह शाम इसको पढ़ा करो, इस इस्तगफार को हर रोज करो, 40 दिन तक इसको अंजाम दो। कहते एक शख्स वालिद हुआ, मौला कहता मौला मेरी रोजी रोजगार नहीं, मेरा कारोबार था सब ठप हो चुका, मौला फरमाते जाओ जाकर इस्तगफार करो जितना कर सकते हो। कहते हैं सलमान बैठे मुस्कुरा रहे, कहते कि जो आ रहा है मौला उससे करे इस्तगफार, जो आ रहा है मौला करे उससे इस्तगफार, यानी एक या इस तरह से कहिए, मसलन एक डॉक्टर उसके पास नजले वाला है उसको भी वही दवा दे दी, खांसी वाला है उसको दो दवा दे दी, दर्द वाला है उसको भी वही दो, जो भी बीमार आ रहा है वही टेबलेट उस हक दे दे। कह रहे एक मरतबा मौला फरमाते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कहा आका जो आ रहा है आपको आपके पास, आप हर किसी को यही नुस्खा बताए दे रहे हैं। कहते अभी इतनी देर में एक शख्स और आया जो सागुल इलाज हो चुका था, मौला की खिदमत में आता, मौला फरमाते हैं कि जाओ जाकर इस्तगफार करो। कहते वो लोग गए जाकर इस्तगफार की। कहते एक और शख्स आया, कहते मौला मेरे बच्चे कहे में नहीं है, मौला कहा जाओ जाकर इस्तगफार करो। कहते एक शख्स ने आकर कहा मेरी घरवाली मेरे कहे में नहीं, एक ने कहा मेरा खावंद कहे में नहीं है, मौला ने हर किसी को बताया जाओ जाकर इस्तगफार करो। कहते उस वक्त जब ये मौला ने बताया तो उस वक्त मिलता है, रवायत मिलती है कि कुछ अरसे बाद लोग वही लोग आए और आकर मौला से अलग अलग सवाल करते गए, मौला से सवाल करते गए और अपनी आवाजों को बुलंद किया
मौला से आकर कहा कि मेरे आका, ये मेरे मौला, ये मेरे मौला, हमने इस्तगफार बहुत किया लेकिन हमारी इस्तगफार का कोई असर नहीं हुआ। तो कहते मौला ने फरमाया कि नीचे बैठ जाओ। सबको बैठाया, सब लोग वहां पे बैठ गए। मौला फरमाते हैं क्या इस्तगफार के, कई लोगों ने इस्तगफार के, मौला ने कहा देखो जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से इस्तगफार करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह मिन कुल्ली ज़न्बिन। मौला ये कौन सी इस्तगफार है आका, ये कौन सी इस्तगफार है? कहा तुम्हारे इस्तगफार कर दो लेकिन इस्तगफार जुमला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह मिन कुल्ली ज़न्बिन, यानी हम लोग बड़े बड़े गुनाहों को, बड़ी बड़ी चीजों को, बड़ी आवाजों को जो है हम लोग उसको गुनाह समझते हैं लेकिन जो कम, जो छोटी, जो चीज होती है उसको हम गुनाह नहीं समझते। कहते उस वक्त मासूम ने फरमाया कि हर गुनाह वो मैं यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह हर एक नहीं से नहीं चीजों पर भी अल्लाह जब आज इनायत करा छोटी से छोटी चीजों पर, तो अल्लाह हर छोटी सी छोटी चीजों पर हमें उसका अजाब भी देगा क्योंकि हम बड़े गुनाहों को जो है, जो हम बड़े गुनाह करते हैं उसको हम गुनाह समझते हैं। कहते आका ने उस वक्त इरशाद फरमाया बहरहाल जिस तरह से मौलाना बताया जाओ जाकर इस्तगफार करो, रोजी के लिए इस्तगफार करो, हर चीज, मरीजी, बीमारी, आजारी, हर चीज के लिए इस्तगफार करो। कहते लोग गए, अरसा गुजरा, वक्त गुजरा, मौला की खिदमत में आते गए, हाजिर होते गए, मौला शुक्रिया अदा करते गए, मौला हमने ये आपने जो अमल बताया, इस्तगफार बताया हमने किया, मौला इससे ये मेरी मुश्किल दूर हुई। हर कोई आकर मौला से आकर बयां करता चला गया। कहते वो मोहतरमा भी आई और आकर मौला की खिदमत में अर्ज करती, मौला आपने जो इस्तगफार जो तरीका बताया था, अल्लाह ने मुझे औलाद भी इनायत कर दी है। कहते मासूमीन की बताई हुई चीजों पर अगर अमल किया जाए, जो सीखे आप दूसरों को भी जाकर बताए, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हदीस आगे बढ़ी, आखिरी जुमले खत्म किए मैंने अपनी गुफ्तगू को, वइज़ा आतु शकरू, और हदीस आगे मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हें कुछ मिले तब उस पर शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें यह नेमत दी है, अल्लाह ने हमें नेमत दी है, खुदा तेरा शुक्र कि तूने मुझे ये नेमत दी, इस लायक समझा तूने मुझे इनायत की, उस नेमत का शुक्रिया अदा किया जाए। वह इज़ा अबतलू सबरू, और कह रहे हैं जिस वक्त उस पर मुसीबतें आए, जब हम पर मुश्किलात आए तब उस वक्त सब्र करें। मौला फरमाते हैं जब मुश्किलात में रहो, जिस वक्त मुश्किलात, गिरफ्तारियां आए उस वक्त वो लोग सब्र करते हैं अल्लाह के अच्छे बंदे। वह इज़ा ग़ज़बू अफ़वन, जब गुस्सा आए तो उस वक्त आफ़ कर दे, माफ कर दिया जाए। मौलान फरमाए ये है अल्लाह के अच्छे बंदे, अल्लाह के नजदीक करीम बंदे, और यही किरदार अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु का भी आपने देखा। जिस वक्त मौला गुस्सा आता है तो मौला हमेशा अपने गुलामों को आजाद कर देते थे। इमाम हुसैन काजिम अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने है, बहुत से मासूमीन का वाकया आपके सामने मौजूद है। बस अजीजों मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटा, इंशाल्लाह कल इसके 5 मुहर्रम हो चुकी है। आज मौला की खिदमत में, इमाम हुसैन की खिदमत में उनके भांजों का पुरसा पेश करना है। ये मुहर्रम या अय्याम आज़ा भी धीरे धीरे इख्तिताम पर पहुंचे, धीरे धीरे खत्म होने को आ गए अय्याम। कहते जिस वक्त कारवान रवाना हो रहा था मदीने से, तो उस वक्त मिलता है कि सारी सदाएं खामोश हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, काफले जाने की तैयारी हो रही थी, काफला तैयार किया जा रहा था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भी पता चला कि मेरा भैया यहां से कूच कर रहा है, मेरा भैया यहां से जा रहा है। जनाब ज़ैनब है बहुत परेशान है, घर में बैठी हुई हैं, सैनखाना में बैठी हुई हैं, जनाब अब्दुल्ला आते हैं, देखते हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत परेशान है। सवाल कर लेते शहजादी क्या बात है, क्यों आप इतना परेशान हैं, क्यों इतना आप मलूल हैं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है अब्दुल्ला जिस वक्त आपका रिश्ता आया था तो मैंने आपसे कुछ शर्तें रखी थी, उस शर्तों में एक शर्त ये थी कि मेरा भैया अगर कहीं जाएगा तो आप मुझे नहीं रोकेंगे, मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी। जनाब अब्दुल्ला कुछ नहीं बोल रहे हैं, जनाब ज़ैनब
जब सवाल करते हैं कहते हैं अब्दुल्ला, एक मरतबा घबरा कहते हैं शहजादी मैंने कब आपको रोका है? ये शहजादी मैं तो आपकी खिदमत में यही आया था कि मैं तो करबला ना जा सकूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मेरे बच्चों को वहां एक को औन को अपनी तरफ से मोहब्बत को मेरी तरफ से आका हुसैन की तरफ निछावर कर दीजिएगा। कहते काफिला रवा दवा हो चुका है, काफिला मदीने से निकल चुका। कहते रोजे आशूरा करबला का बन है कि लाशों पे लाशें आ रही हैं, शबे आशूर गुजर चुकी है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मिलता है शबे आशूर का वाकया कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने सामने एक तरफ औन एक तरफ मोहम्मद दोनों बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को समझा रही है मेरे लाल सुबह जो नमुदार होने वाली है तेरे बाबू पर सख्त तरीन दिन है। ए मेरे फर्जंदो देखो अपने मामू की नुसरत में कमी न करना, मामू की नुसरत में कमी न करना, मुझे अम्मा जहरा के सामने शर्मिंदा मत करना मेरे लाल। कहते हैं हम ए मादरे गिरामी सुबह तो नमुदार होने दीजिए। कहते सुबह नमुदार हुई, लाशों पे लाशें आना शुरू हो गए और मोहम्मद भी पहुंचते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, मिलता है कि आका इजाजत नहीं दे रहे हैं। कहते बच्चे आकर खेमे में बैठ गए, उदास है बलूल है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आती है और मोहम्मद को देखती, क्या बात है मेरे लाल क्यों नहीं तुम लोग अब तक गए? अम्मा मामू जान इजाजत नहीं दे रहे हैं। ज़ैनब ने अपने बच्चों के हाथों को पकड़ा, भैया की खिदमत में आए, भैया ए भैया मुझे भी ये मौका दीजिए, भैया आप ये बताए कल अम्मा ने अगर रोज महशर सवाल कर लिया, ज़ैनब तुझे तेरे बच्चे प्यारे थे ये मेरा हुसैन, तो मैं क्या जवाब दूंगी? कहते रवायत के फिकरात नकल किए जाते हैं, मक्तल के जुमले नकल किए जाते हैं, इमाम हुसैन ने आनो मोहम्मद को इजाजत दे। कहते बच्चे मक्तल में पहुंचे और पहुंच के अपना तारुफ कराते हैं। कहते दोनों फर्जंदों ने अब जो हमला किया है, फौज अश्किया में भगदड़ मच गई, फौजे भागना शुरू हो गई। कहते ये अली के शेर आए हैं, ये अली के शेर, ये कमर बनी हाशिम के खानदान के, ये अबुल फजल अब्बास के शागिर्द है, अब्बास के शागिर्द है। कहते पिसर साद का आवाज बुलंद करता है, अगर ये दोनों शहजादे इसी तरह से लड़ते रहे तो हम इन पर काबू न पा सकेंगे, दोनों के बीच में जुदाई पैदा करो। कहते फौज बीच में दौड़ी, एक तरफ और एक तरफ मोहम्मद, दोनों बच्चे लड़ते लड़ते जख्मी हुए। तीन दिन के भूखे और प्यासे ये जहरा के लाल, ये ज़ैनब के फर्जंद हुसैन के बाजे, कहते हैं जमी की तरफ चले। कहते दोनों भाई एक दूसरे को देख न सके। कहते दोनों भाइयों ने घोड़े की पुश्त पर बुलंद होकर एक दूसरे को देखना चाहा मगर देख न सके। कहते दोनों शहजादे जमीन पर आए, आवाज देते अम्मो, आवाज देते हैं भैया अकबर, आवाज देते हैं मामू जान हमारा सलाम आखिर हो। कहते अजीब फकरात हैं, इमाम हुसैन जनाब अब्बास कहते उस जगह पर पहुंचे
दोनों शहजादों के जनाजे उठाए गए, खैमे में ला कर रखा गया। ज़ैनब ने दोनों शहजादों के जिस्मों पे अपने हाथ को रखा। खुदा की बारगाह में शुक्राना अदा किया, खुदाया तेरा शो कि तूने मेरे इस हदीये को कबूल किया। साहिब मकातिल के फकरात है, ज़ैनब गिरिया नहीं करती, बस मैंने खत्म की अपनी गुफ्तगू को, कर ले गिरिया जो शहजादों का जिनका मातम ना हो सका। कहते रवायत के फकरात है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गिरिया न फरमाया। कहते बच्चों के सर जुदा किए जा चुके, फिर भी गिरिया न किया। नोके नैजा पे सर दोनों के बुलंद किए गए, फिर भी गिरिया न किया। कूफे में महमिल के किनारे बच्चों के सर रहे, फिर भी गिरिया न किया। मिलता एक मकाम पर ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, जब शाम में बच्चों के सर लाए गए थे तो ज़ैनब उस वक्त कहती है, ए शाम की औरतों तो ऐसा न कहो, इनकी माँ जिंदा है लेकिन मैं अपने भैया हुसैन पे रोऊं या अपने फर्जंदों पे गिरिया करूं। मैं इनकी माँ जिंदा हूँ, ज़ैनब इनकी माँ जिंदा है। परवरदिगार हमारे इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए खुदाए परवरदिगार, हम सबकी इज्जत आबरू और नामोस के हिफाजत कर। खुदाए जो मरीज और बीमार हैं, बहुत से फोन आ रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए कहा गया है, पालने वाले जो जो मरीज और बीमार हैं परवरदिगार अहले बैत अतहार के सदके में, उन सबको जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दो। खुदा ए परवरदिगार, ये बीमारी जिस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, खुदाया अहले बैत के सदके में इस बीमारी को खत्म कर दे। ज़ियारत के रास्तों को खोल दे, जिनके दिलों में तमन्ना है इन सब जगहों पे आने की उन्हें आना नसीब कर दे। परवरदिगार मुंजिये बशरियत मुंजिये दो आलम हमारे जमाने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बायस आफियत और रहमत करार दे। खुदाया हमारे उलमाए आलम का साया, खुसूसन रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सिस्तानी और दीगर मराजे कराम, इनके साये को हमारे सरों पे बरकरार रख। खुदाया हमारे मराजे कराम को तूले उम्र इनायत कर दे। परवरदिगार ये इस्तकबार हुकूमतें अगर ये हिदायत के लायक है तो इन्हें हिदायत कर, वगरना इन्हें जलील खार और रुसवा कर दे। ये खुदा है परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अतहार के सदके में जो गोदियां वीरान हैं, इन शहजादों के सदके में उन गोदियों को आबाद कर दे, जिन्हें औलाद दी उन्हें नेक और सालेह बना दे। खुदाया हम सबके मरहूमीन को गरी के रहमत कर दे, खुसूसन अभी जो इस वक्त ताजा सबका इंतकाल हुआ है, डॉक्टर अहसन साहब और बहुत से लोगों के लिए कहा गया है, नानावती फैमिली के लिए, शराफ फैमिली के लिए और शरीफ फैमिली के लिए, भुजानी फैमिली के लिए, अंसार हुसैन रिजवी साहब के लिए, अली मीसम साहब के लिए, जावेद साहब के लिए, बहुत से लोगों के लिए काफी बहरहाल फोन आ रहे हैं। मुर्तजा साहब ऑस्ट्रेलिया से, उनकी फैमिली के लिए बहरहाल कहा गया है, काफी लोग फोन पे फोन सब, बहरहाल फातिहे के लिए कहा गया है। बहरहाल लिस्ट बहुत लंबी है कि सबका नाम लेना नामुमकिन है। बहरहाल आप अपने तमाम मरहूमीन जो आप हजरात इस वक्त बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम, आप सबके तमाम मरहूमीन, आप सबके तमाम अज़ीज़ अक़ारिब दोस्त जान पहचान वाले या ऐसे हजरात जिनका कोई दुनिया में, खुसूसन जिनके वालदैन दुनिया में ना रहे, उनको याद करते हुए और बहरहाल बढ़ते फैमिली, काफी लोग बीदी फैमिली, बहुत से लोगों ने कहा है अहले बैत अतहार का तुझे वास्ता देते हैं। परवरदिगार चार दमासमीन के सदके में ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, इन सबको गरी के रहमत कर दे। और आप सबसे इल्तिजा है इन सब के लिए जितने बहरहाल कहा गया, जिनके नाम लिए गए या नहीं लिए गए, उन सबको खुसूसन ऐसे हजरात जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं है, उन सबको याद करते हुए और मेरे वालिद मरहूम उनको भी और बहनोई उनको भी याद करते हुए और जुमला कब्रल मोमिन मोमना तमाम शहदा और इस वक्त अभी जो बीमारियों से ताज़ा अभी जो इस दुनिया से गए हैं, उन सबको याद करते हुए और दानिश साहब बहरहाल उनका फ़ोन आया, उनकी वालिदा के बहरहाल याद करते हुए, बहरहाल माँ बाप का गम बहुत बड़ा गम होता है, उन सबको याद करते हुए, अली मेहंदी साहब उनकी पूरी फैमिली
के तमाम मरहूमीन को याद करते हुए रहमल्लाहु यक्रअल फातिहा اللهم صل على محمد وعلى محمد بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پایم دولت عشق آمد و من دولت پایم شدم به مسیح نگاه تو من همه بخونم همه مرده بودم زنده شدم دوباره مرده بودم زنده شدم من دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من پاینده شدم به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم با شهیدان جان ما هم به صفات جلوات حسین ملکوت بساط حسین قسم به ذات حسین بهش سرات حسین همه ی صفات جلوات حسین ملکوت بساط حسین قسم به ذات حسین بهش سرات حسین جان من ارباب آقای بی کفن